guys, welcome back to our channel. I'm Shweta and I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं Any One Take की new song पे. Wholeheartedly album का एक और song out हुआ है जिसका title है ठीक हूँ मैं. So जैसे कि हमें पता है कि एक हफ्ते के बाद वो सॉन्ग निकाल रहे हैं, मतलब हर संडे को एक एक सॉन्ग ड्रॉप कर रहे हैं एंड हम सारे सॉन्ग्स को ही कवर कर रहे हैं. तो अगर आपने नहीं देखा हमारे रिएक्शन तो आप देख लो जाके पहले के सॉन्ग्स पे. और ये न्यू सॉन्ग आउट हुआ है, मतलब इस एल्बम का जो और सॉन्ग्स है जो आउट हुआ है उस पर हमने रिएक्शन दिया. तो वो सॉन्ग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लो जाके, अगर आप लोगों से मिस हो गया है बाय चांस तो आप देख लो. और ये सॉन्ग अभी न्यू आउट हुआ है तो हम लोग सुन लेते हैं सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती. तू मिलती थी तो दिल को था सुकून भैसरानी, कलम ये लिखता तो ये दिल को धड़कन है सरासी. तू जिंदगी थी, जिंदगी से काफी था खफा मैं, अब जो बातें करती उसमें तुझको ढूंढता मैं. सुकून से जीने का था मौका जिसको खो चुका मैं, लोगों को छोड़ो यादों को ही हूँ पूछता मैं. तू नहीं तो क्यों ये दिल भी नहीं मानता, आशिकी का मतलब तूने ही सिखाया था. तू भी तो जाने कितना प्यार तुझसे करता हूँ मैं, नहीं है साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं. ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं. अफसोस दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रम आशिकी करूँ मैं. ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं. अफसोस दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रम आशिकी करूँ मैं. तनहा राहों पे सब यादों का हिसाब है, किताब लिख दूं तेरे बारे बेमिसाल में. खोया मैं कितना कुछ पर फिर भी ना मलाल है, ये दुनिया जानती नहीं हूँ मैं किस हाल में. साथ है तो बस बचे है कुछ याद तेरे, सारे सवालों का आया हूँ मैं हिसाब लेने. तेरे यादों ने मेरी नींद ली है छीन, सो जाओ तो भी मुझे आते है बस ख्वाब तेरे. बहका दिल ने तुझ पे दे दिया सजा मैं खुद को, न साथ रहना था तो कर दिया आजाद तुमको. असाब है ये पूरा ना पाया आरज़ू, कोई पूछता है तो फिर देता हूँ जवाब उनको. ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपने धुन में जिंदगी जीऊँ मैं. अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्र आशिकी करूँ. ठीक हूँ मैं, अकेला अपने धुन में जिंदगी जीऊँ मैं. अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्र आशिकी करूँ मैं. ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, मतलब इतना सही फ्लो लिया था ना यार. और फ्लो से भी बड़ी बड़ी बात है कि स्टार्टिंग से जो इसका स्टार्ट था और खासकर कि इस पॉइंट पे वो और ज्यादा डीप होना स्टार्ट हुआ था, उसी पॉइंट पे खत्म कर दिया यार. आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम आल्सो. सॉन्ग को और लंबा करना चाहिए था यार. डिसअपॉइंटेड टाइम लेंथ से है हम लोग, टाइम लेंथ से कमाल का. ये सॉन्ग और बड़ा होना डिजर्व करता था. ये सॉन्ग कमाल का था यार. वी वर लॉस्ट इन दिस सॉन्ग, इतना अच्छा सॉन्ग था, इतने डीप लिरिक्स थे. I don't think so, मैंने एमी वे के किसी सॉन्ग पे इतने डीप लिरिक्स सुने हैं. दर्द में भी सुकून है. इट वॉज लाइक दैट की हाँ दर्द है बट वो दर्द में भी दिल में मरहम, टूटे हुए दिल में मरहम लगाने वाला. अरे यार, तो खैर यार एमिवा ने बहुत अच्छा गाया एंड हिलियक जो है इसमें कोलैब कर रहे हैं जिसके साथ,
बहुत अच्छा गाया है दोनों ने ही यार, मतलब एक तो दोनों का जो क्या कहते हैं कोलैब, हाँ दोनों का जो कोलैब था, दोनों एक दूसरे को जिस वे में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मतलब एमी वे का हर किसी, मतलब आज तो उन्होंने जिन लोगों के साथ भी कोलैब किया है उन सबके साथ उनका जो मिक्सअप है वो बहुत सही लगता है, बट इनके साथ कुछ अलग ही लग रहा था, मतलब इट वाज लाइक एमी वे बनता है फील करके गा रहा है नहीं, एक एक लाइन को एमी वे तो गा ही रहे हैं एंड ऐसा लग रहा था कि पूरा सॉन्ग ही एमी वे गा रहे हैं, मतलब वो फील करके ही गाता है सॉन्ग, ऐसा नहीं है, बट ये सॉन्ग कुछ अलग ही हिट कर रहा था, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ एमी वे बनता है। और कई सॉन्ग सुना था हमने, मुझे लिटरली उस सॉन्ग का जो लेंथ था मुझे इसका भी वही लेंथ चाहिए, ये सॉन्ग आई विश 5-6 मिनट्स का होता तो इसीलिए बोला मैंने ये 5-6 मिनट्स का होता तो मजा आता, इट वाज ओनली 2 मिनट एंड 39 और 36 सेकंड, ये डिजर्व करता ये सॉन्ग और ज्यादा लॉन्ग होना यार, ये इससे डबल ट्रिपल डिजर्व करता, और मैं सच में बोलूं तो आई फील कि ये एमी वे बंटाई के करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है ये, बेस्ट बेस्ट, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना ये सॉन्ग यार, सुपर्ब। और इस एल्बम का मैं सच बताऊं तो एमी वे का ये सॉन्ग मेरा फेवरेट बन चुका है, और इस एल्बम का इस जो जितना पूरा एल्बम सुना है हमने, जितने भी सॉन्ग अभी तक आउट हुए हैं पूरे एल्बम में ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, क्योंकि लिरिक्स बहुत कमाल के थे, उसके साथ फ्लो बहुत अच्छा था, और जो फील करके वो गा रहे थे ना यार, और मतलब पहला सॉन्ग की पहचान है, वो हो ही नहीं सकता कि इस सॉन्ग के साथ कनेक्ट ना कर सके, इतना अच्छा सॉन्ग था। जो पहले वर्ड से ही ये सॉन्ग स्टार्ट हुआ ना, मतलब कुछ सॉन्ग होते हैं जो एक दो तीन धीरे 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 फील आना स्टार्ट होता है, बट इस सॉन्ग के पहले वर्ड से ही फील थी, मतलब खास करके जब ये सॉन्ग और ज्यादा डीप होना स्टार्ट हो रहा था, खत्म कर दिया मतलब और ज्यादा डीप हो रहा था, और ज्यादा इमोशंस कनेक्ट हो रहे थे उसी मोमेंट पे, इट वाज ओवर, अब मुझे फील आ रहा था कि यार खत्म होने वाला, खत्म होने वाला, बट आई मेरे को चल रहा था, मेरे को चल रहा था कि अब तो मुझे एक ही बहुत नेगेटिव आदत है उनकी, वो हमेशा मतलब जिस पॉइंट पे सॉन्ग और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है और ज्यादा मतलब अब लगता है कि हाँ अब ये थोड़ा और लॉन्ग चले, उसी मोमेंट पे सॉन्ग खत्म, मुझे बेसिकली है कि उनका बेसिकली एमी वे बंटाई ऐसे आर्टिस्ट है ना जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता हाँ। है उनका मतलब एक अलग ही वो जो मतलब गाने गाते हैं जो लिखते हैं उनका है कि खत्म ना हो, एटलीस्ट कम से कम भी जब तक 3 मिनट के ऊपर का ना हो ना वो एक उनके 5 मिनट्स के सॉन्ग होते हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम भी अगर 3 मिनट से ऊपर का ना हो ना कहीं ना कहीं खाली बन रहा है, तो समझ में आ रहा है ना इससे कि किस लेवल के आर्टिस्ट है वो, कितनी वर्सेटैलिटी है उनकी कि ऑडियंस चाहते हैं कि उनका सॉन्ग खत्म ना हो यार प्लीज, इससे मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेन है हाँ। नहीं बाकी सॉन्ग से मुझे इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं, ठीक है इट वाज फाइन कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं सॉन्ग ही खत्म होता है, बट इस सॉन्ग से मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेन है, बट सॉन्ग तो यार बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा सॉन्ग था, लिरिक्स कमाल के थे, एक एक वर्ड्स एक एक लाइन नेक्स्ट लेवल हिट कर रहे थे, वो आके डायरेक्ट दिल को लग रहता है, ऐसा सॉन्ग था वो, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सॉन्ग, और इस पे रिएक्शन देखे तो बहुत मजा आया, आई होप कि ये सॉन्ग थोड़ा लॉन्ग कर आउट हो, थोड़े और लिरिक्स ऐड करने वाले हैं क्योंकि अब नेक्स्ट वीक नया सॉन्ग निकालने वाले हैं, आई होप क्या ही बोलूं मैं था, अभी तो यही सॉन्ग ऐसा भी नहीं कि लिरिकल था, सो गाइज दिस वॉज अवर रिएक्शन एंड वी होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके, एंड गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहाँ भी फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।